प्रिय दर्शकों, ममता किचन रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गोभी मटर की सब्जी बनाएंगे, टेस्टी सब्जी। तो सामग्री में हमने गोभी को धुलकर काट लिया है, आलू का छिलका उतार के धुलकर काट लिए हैं, 2 मीडियम साइज टमाटर ले लिए हैं, 1 मीडियम साइज प्याज, 5-6 लहसुन की कलियाँ छिलका उतार के महीन काट लिए हैं, 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच सब्जी मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा, जीरा तड़का लगाने के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट है सिलबट्टे में पीस लिए हैं, 1 बाउल हरा मटर, 2 हरी मिर्च है। अगर आप ज़्यादा तीखी पसंद करते हैं सब्जी तो और भी मिर्च बढ़ा दीजिए, हरा धनिया है गार्निश के लिए। तो आइए गैस की तरफ चलते हैं। ये हमने गैस जला दिया, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुकी है, सरसों का तेल डालेंगे, तेल थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 2 बड़े चम्मच। तेल काफ़ी गर्म हो चुका है, जीरा डाल देते हैं 1 चम्मच, जीरा को चटकने देंगे। मसालों में पानी डाल देते हैं ताकि बढ़िया से फूल जाए मसाला। जीरा चटकने लगा है, कटी हुई प्याज और लहसुन डाल देते हैं। गैस का फ्लेम हाई है, अब इनको इस तरीके चलाएंगे ताकि जलने ना पाए। अब हरी मिर्च काट देते हैं, प्याज लहसुन बढ़िया से भून लिए हैं, इसमें का कच्चापन खत्म हो गया है। अब आलू डाल देंगे, ये देखिए थोड़ा कलर भी चेंज हो गया प्याज का। अब आलू डाल दिए हैं, इनको इस तरीके थोड़ा चलाते हुए भून लेंगे। अब गोभी डाल देते हैं, इनको भी बढ़िया से मिलाएंगे इस तरीके। अब इनको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि बढ़िया से पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, इनको चेक करते हैं, इस तरह चलाएंगे ताकि नीचे चिपकने ना पाए, गोभी और आलू बढ़िया से भून जाए। दो मिनट के लिए फिर ढक देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, इसी तरीके हम 2-3 बार ढक ढक के इनको पकाएंगे, भूनेंगे ताकि अंदर तक बढ़िया से भून जाए और पक भी जाता है। ये देखिए गोभी और आलू का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं, मसाले डाल देंगे, मसाले भी बढ़िया से फूल गए हैं। अब मीडियम फ्लेम में इनको भून लेते हैं। टमाटर काट लेते हैं, ये हमने टमाटर काट लिया है। मसाला भी बढ़िया तरीके से भून चुका है, खुशबू आने लगी है, मसाले की महक बढ़िया आ रही है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक को भी अच्छी तरीके मिलाएंगे। मसाला बढ़िया तरीके से भून गया है, ये देखिए नीचे चिपकने लगा है और तेल भी छोड़ रहा है मसाला। अब इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, ये हमने टमाटर डाल दिया, हरी मटर डाल देंगे, इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया, अब इनको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लेते हैं।
ये देखिए कितनी बढ़िया सब्जी दिख रही है। 5 मिनट के लिए ढक देंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। टमाटर भी बढ़िया तरीके से पक गया है, इनको इस तरीके चलाएंगे। सब्जी बनके तैयार हो गई है। आलू भी और गोभी मटर सभी सब्जी पक गई है। अब इसमें हरा धनिया से गार्निश कर देते हैं। अगर आप रसेदार बनाना चाहते हैं तो पानी डालकर उबाल लीजिए 2 से 3 मिनट तक के लिए, सब्जी रसेदार बन जाएगी। अगर सूखी पसंद करते हैं तो इसी तरीके सूखी पसंद सर्व करिए, चावल रोटी पूरी पराठे के साथ, जिसके साथ आप खाते हों। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम इसी तरीके की आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे। कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई गलतियाँ हो माफ़ करिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।